एक किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? कौन नेता है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो? गठबंधन के बारे में उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? उनसे पूछिए, रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। क्या ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं? ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं? ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए, अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट दे दोगे आप, और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं। और जो बात बोलनी है उनको, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं।